नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुँचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो पार्टिसिपेट करने का, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, yourmoney@nw18.com। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #askawazyourmoney लिखकर, और आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण वाजपेयी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज पर तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट की। सिल्वर में हम यूजुअली जब पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करते हैं, इक्विटी, डेट, वेरियस अदर कैटेगरीज की बात करते हैं, गोल्ड को भी बोलते हैं एज एन एसेट क्लास, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। बट सिल्वर की रेलेवेंस कितनी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वाया म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, क्या आउटलुक है सिल्वर को लेकर, इन सब पर बातचीत करते हैं। तो बताइए पहले तो सिल्वर इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रवीण, क्या राय है आपकी? नमस्कार दीपाली जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सिल्वर डेफिनेटली इंडिया में अगर हम देखें तो जैसे हमने गोल्ड को एक प्रेशियस और ऑस्पिशियस मेटल हम मानते हैं, वैसे ही सिल्वर को भी कंसिडर किया जाता है। तो सिल्वर की डेफिनेटली डिमांड होती है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, सिल्वरवेयर। उसके अलावा सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसकी काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, और सबसे पहले हम सिल्वर के यूज केसेस और इसके डिमांड ट्रेंड्स को ही समझते हैं। 50% जो डिमांड है सिल्वर की वो इंडस्ट्री से आती है, और जो एक चेंजिंग सिनारियो है इस टाइम पे इकोनॉमीज में, जहां पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इन सारी चीजों में सिल्वर का काफी यूज होता है। तो आने वाले समय में जो सिल्वर की डिमांड है उसको एक अच्छा स्कोप माना जा रहा है कि सिल्वर की डिमांड की इंक्रीज होगी। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिहाज से भी सिल्वर का जो डिमांड है ग्लोबली करीबन 25% रहा है पिछले अगर हम 10 साल का ट्रेंड देखें। एंड सिल्वर एक अच्छा डाइवर्सिफायर है, जैसे कि गोल्ड है आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि आपको इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम जैसी एसेट क्लासेस से एक डिफरेंट एक्सपोजर देता है। पर एट द सेम टाइम दीपाली जी, सिल्वर का जो एक अगर हम प्राइस ट्रेंड कुछ पुराने सालों का देखें, तो एक रोबस्ट इकोनॉमी के चलते और मैन्युफैक्चरिंग की जब काफी अच्छी धूम है और पुश है, तब हम देखेंगे कि हम सिल्वर में डिमांड की इंक्रीज को। पर अगर ग्लोबल सिनारियो थोड़ा डाउन है या रिसेशनरी टाइम्स है, तब इसकी हम डिमांड में गिरावट देखेंगे। तो इसको हम ज्यादा वोलेटाइल देखते हैं। अगर हम पिछले 20-25 सालों का ट्रेंड देखें तो कुछ ऐसे फेजेस हैं जब सिल्वर बिल्कुल फ्लैट रहा है, और कुछ ऐसे भी समय हैं जब बहुत छोटे समय में उसने काफी गति से इंक्रीज किया है। तो गोल्ड की अपेक्षा सिल्वर में वोलेटिलिटी मेरे ख्याल से ज्यादा देखेगी निवेशकों को। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडिंग टू पोर्टफोलियो एक डिसेंट एवेन्यू है, पर मैं बोलूंगी हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। थोड़ा सा निवेशक जो समझ सकते हैं इसके डिमांड को और इसकी एक हल्का सा टैक्टिकल कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर सिल्वर ETF और सिल्वर फंड्स की बात करें प्रवीण, तो सिल्वर ETF के बारे में स्पेशली आपकी राय क्या है एज एन इन्वेस्टमेंट? किस तरीके के रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जब से लॉन्च हुए हैं तब से आते हुए देखे हैं, और अगर इन्वेस्ट करना हो तो कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट करें। जी सिल्वर जबकि हमने इंडिया में देखा है गोल्ड ETFs और गोल्ड FOFs जो ETFs में फर्दर पैसा लगाते हैं वो काफी सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर दीपाली जी जो सिल्वर के ETFs हैं उनको लॉन्च करने की अनुमति सेबी ने 2021 में दी थी, और उसके बाद से म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर के ETFs और उनके फंड ऑफ फंड, ताकि आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सके, उनको लॉन्च किया है। पुराने फंड्स पे ICICI निपॉन जैसे ऑलरेडी फंड्स एग्जिस्टिंग है, मिराए के है, अभी अगर हम देखें तो रीसेंट पे NFO आए है, टाटा का NFO है जो सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट का ETF और FOF दोनों लेके आए हैं।
तो एक अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, निवेशकों के लिए और रिटर्न्स देखें, तो पिछले 5 साल में हमने एक अच्छी ग्रोथ देखी है सिल्वर के प्राइसेस में। एक अप ट्रेंड रहा है, 11 से 12% का रिटर्न निवेशकों को यहाँ मिल सकता है। पर अगर हम लंबे समय को देखें तो वहां पे, क्योंकि कुछ ऐसे लल पीरियड्स रहे हैं सिल्वर की डिमांड में, तो वहां पे हम जो रिटर्न है उनमें गिरावट देखते हैं। तो इन नटशेल दीपाली, जो जो सिल्वर का इन्वेस्टमेंट है वहां पे मैं बोलूंगी थोड़ा सा एंट्री पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको समझने के लिए एक गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है जो ज्यादातर समझा जाता है। जो इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है उसके हिसाब से गोल्ड हल्का सा ओवर वैल्यूड है एंड सिल्वर अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट दिखता है सिल्वर में। पर मेरे ख्याल से रेगुलर निवेशक, जो हम रिटेल निवेशक है, आप SIP के माध्यम से ही इसमें निवेश करें, KFOF के थ्रू, वो बेहतर है। पर यहाँ पे टैक्सेशन अब एट स्लैब होगी, शॉर्ट टर्म है, तो आप उस शॉर्ट टर्म गेन्स को कल को अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉसेस से जरूर इवन आउट कर सकते हैं, वरना जो आपका टैक्सेशन है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब पे होगा। एंड क्योंकि एक पैसिव स्ट्रैटेजी है, जो सिल्वर का प्राइस है उसी को फंडने फॉलो करना है, तो यहाँ पे दीपाली जी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से फंड हाउस का उठा रहे हैं फंड, या हम पुराना या नया उठा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली एक पैसिव तरीका है इन्वेस्टमेंट का। पर यहाँ पे आपने पॉन, ICICI, टाटा जैसे HDFC, जो जितने क्रेडिबल फंड हाउसेस हैं, इनके आप फंड्स को देख सकते हैं, सिल्वर ETF या FOF। चलिए, तो सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई, सिल्वर ETFs के बारे में भी आपको बताया गया, लेकिन अब बात करते हैं क्वेरीज की। मयंक पहले कॉलर नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। मयंक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने 30-30 लाख की तीन इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तीन, एक ICICI एसेट एलोकेटर फंड में, एक फ्रैंकलिन का डायनेमिक एसेट एलोकेशन में, और एक टाटा बैलेंस एडवांटेज में, 30-30-30 लाख का, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है। उसके अलावा मैम, हमने प्लान किया हुआ है 60,000, मतलब पर मंथ अगले 10 10 ईयर्स के लिए SIP, अलग अलग स्कीम में जो हमने आपको भेजी हुई है। मेरे को बस ये जानना है कि क्या ये वैल्यू 10 साल में 5 करोड़ की हो पाएगी? पूछ लेते हैं, 60,000 की SIP है, 90 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है, 10 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है, क्या इस ये इन्वेस्टमेंट इनको इतना रिटर्न दे पाएंगे? पूछते हैं प्रवलीन से। लेकिन पहले मैं फंड्स के नाम बता दूं, कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर, ICICI इक्विटी एंड डेट, HDFC बैलेंस एडवांटेज, नेपोर इंडिया लार्ज कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारी फ्लेक्सी कैप है, जहां 10-10 हज़ार रुपये महीना ही डाल रहे हैं। इसके अलावा लमसम कहाँ डाले हुए हैं? 30 लाख रुपये फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेशन में, 30 लाख डाले हैं टाटा बैलेंस एडवांटेज में, और ICICI एसेट एलोकेशन में 30 लाख। बताइए क्या सजेशन रहेगा प्रवीण इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट और इनके गोल पर? जी, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज दीपाली जी, जो मैं शुरुआत में मैम जी को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले साल टैक्सेशन में कुछ बदलाव आया था, जिसके बाद जो इनके कुछ फंड्स हैं वो आज की तारीख पे टैक्सेबल एट स्लैब बन जाते हैं। यानी कि अगर उन फंड्स में इनका इन्वेस्टमेंट पिछले मार्च के बाद हुआ है, तो उनकी जब ये कल को अपने रिटर्न्स पाएंगे, तो जो भी इनका इनकम टैक्स स्लैब है, और क्योंकि ये 60,000 की SIPs कर रहे हैं, तो मैं अनुमान लगा के चल रही हूँ कि हायर स्लैब में ही है, तो इनको हायर टैक्सेशन देना पड़ सकता है। इसलिए एक बार अपने फंड्स को फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूर चेक करें कि उनका क्या टैक्सेशन बनता है। यहाँ पे मैं तीन नाम बोलूंगी जहां पे इनको डायरेक्ट एट स्लैब कल को टैक्सेशन हो सकती है। जहां पे भी हम FOF देखते हैं, एसेट एलोकेटर फंड्स हैं, जो अपने ही फर्दर फंड्स में पैसा लगाते हैं, जो डेट, इक्विटी या गोल्ड में हो, वहां पे अब टैक्सेशन क्योंकि एट स्लैब होगी, इसमें फ्रैंकलिन आ जाता है, ICICI का एसेट एलोकेटर आ जाता है, और कोटक का जो मल्टी एसेट एलोकेटर ने लिखा है, अगर ये एलोकेशन फंड है तो इसकी रेगुलर टैक्सेशन होगी, अगर एलोकेटर FOF है तो इसकी भी एट स्लैब टैक्सेशन हो जाएगी। तो दीपाली जी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहले मैम जी को चेक करनी चाहिए, बिकॉज जो उनके बाकी फंड्स हैं उनमें या तो इक्विटी टैक्सेशन है या फिर डेट टैक्सेशन विद इंडेक्सेशन है, तो दोनों में उनको फायदा रहेगा, टैक्सेशन में लोअर टैक्स में चले जाएंगे। अब उनके जो गोल की बात करें, अगर हम 60,000 की उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है और 90 लाख का जो उनका लमसम है, उसको मिला के थोड़ा सा, अगर हम, क्योंकि मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो है, काफी हाइब्रिड फंड्स हैं, अगर हम 11% के ओवरऑल अनुमानित रिटर्न पर चलें, तो भी उनको थोड़ा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, करीबन 40,000
पर मंथ का इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये अपना टाइम होराइजन थोड़ा आगे बढ़ा दे तो फिर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के बिना भी इनका काम चल सकता है, अगर 12 से 13 साल ये अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके जाए। सो ओवरऑल जो इनकी 6 इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है 10 साल में ये अपने फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में ही हायर एलोकेशन दे के रखें, वहां पे हमें मल्टी एसेट एलोकेटर के टाइप के फंड्स की जरूरत नहीं है। इनमें ऑलरेडी एक बैलेंस्ड एडवांटेज और इक्विटी डेट फंड वहां पे ले रखा है। सो इस चीज को डेफिनेटली एक बार वो अपना चेक करें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। मैं अंक बात करते हैं हम अगले कॉलर से, प्रत्यक्ष खरे इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रत्यक्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, एक्चुअली मुझे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना था, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है, जो अभी मेरा जो करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से अबाउट सम 1 crore इन 10 to 12 ईयर्स। सो ये 2 पॉइंट थे मेरे। ओके, 10 to 12 ईयर्स का होराइजन है, 1 crore का टारगेट है, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी अभी, जो 20,000 की SIP कर रहे हैं प्रत्यक्ष? अराउंड 2 lakhs एज ऑफ टुडे। ओके, 2 lakh के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 20,000 की SIP कहाँ डाल रहे हैं 20,000? 4 ही फंड्स रखे इन्होंने, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC इंडेक्स निफ्टी 50, मेरी एसेट मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप, 5,000 ईच डाल रहे हैं ये। तो एक चीज़ अच्छी इनके पोर्टफोलियो में, एक तो कैटेगरीज इन्होंने ठीक चुनी है, प्लस ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया है प्रवीण। अब बताइए आपके हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं या फिर नहीं? दूसरा, इनके गोल पर आपके सजेशंस। जी दीपाली जी, जैसे आपने बोला, आई थिंक जो सिलेक्शन है फंड्स का वो प्रीतिश जी ने बहुत अच्छा किया है। लार्ज कैप में एक पैसिव फंड चुना है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप है, तो बहुत क्लीन और अच्छा पोर्टफोलियो ने अपने लिए कंस्ट्रक्ट किया है। जो इनका 10 ईयर्स का होराइजन है, तो कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है इनके अपने पोर्टफोलियो में। पर जो इनका SIP अमाउंट है अभी करीबन 20,000 का जा रहा है, उसमें इस टारगेट को अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। या तो ये एक इंक्रीमेंटल हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें, जो करीबन 11-12% से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं। हर साल सैलरी में थोड़ा सा इजाफा होता ही है, तो अगर अपना इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो थोड़ा लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे 10-12% का। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब इनका शॉर्टफॉल होगा और इनको अपना लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। इवन अगर हम 12 साल का होराइजन तक स्ट्रेच करें तो हल्का स्टेप अप SIP का मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वहां पे मिलने से इनका डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा लक्ष्य। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन, पोर्टफोलियो आपका सही है। 20,000 की जो आप SIP कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए 40,000 के आसपास। कोशिश कीजिए या तो डायरेक्टली 40,000 रुपये बढ़ा लीजिए, अगर 40,000 का बजट नहीं है तो स्लोली स्लोली अपने SIP को एनुअली बढ़ाइए 20% के आसपास, ताकि अपने गोल को आप आसानी से हासिल कर सकें। सुमित रावत अगले कॉलर हैं। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, ईमेल के थ्रू माफ कीजिए, उन्होंने सवाल भेजा है, फोन लाइन पर कनेक्टेड नहीं है। 36 साल इनकी उम्र है, 83,000 इनकी मंथली इनकम है, मंथली SIP इनकी चल रही है 13,500 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 lakh हो चुकी है, लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई 86,500 की, 20 साल में 4 crore का टारगेट है। अब इनके मैं फंड्स बता दूँ, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, SBI लार्ज मिड कैप फंड, कोटक एमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस मल्टी कैप और DSP टाइगर फंड, इन सभी में तो डाल रही हैं 2,500 ईच। इसके अलावा एडलवाइज स्मॉल कैप फंड है, यहाँ 1,000 ईच डाल रहे हैं। 86,500 की जो इन्होंने SIP की हुई है, माफ़ कीजिए, लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो 2 funds में है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में 35,000 रुपये डाला हुआ है इन्होंने लमसम, साथ ही पराग पारिक टैक्स सेवर में 51,500, ये रही इनका लमसम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं इनके पास, जिसमें PPF में 2,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है, 3.5 lakh का कॉर्पस कर चुके हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में भी 2,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, यानी वहाँ पर भी 48,000 रुपये साल की इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब बताइए इनका पूरा पोर्टफोलियो प्लस इनके गोल पर आपके सजेशंस। जी दीपाली जी, एक तो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि इनने फिक्स्ड इनकम में भी अपना पैसा डाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ में इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है। पर जो नंबर ऑफ फंड्स है मेरे ख्याल से उनके थोड़े ज्यादा हैं, 6 funds में इनकी SIP चल रही है, 7 में इनके 2 funds ऑलरेडी टैक्स सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लमसम इन्वेस्टमेंट में है। तो सबसे पहली चीज इनके टैक्स सेवर्स पर,
जो टैक्स सेवर फंड है दोनों फंड्स अच्छे हैं, तो जब आप इंक्रीमेंटल निवेश करेंगे अपने अगर एटीसी को से अंडर सेक्शन एटीसी आप अपनी डिडक्शंस के लिए, तो आप कोई दूसरा टैक्स सेवर आप मत जोड़िएगा, आप इन्हीं टैक्स सेवर्स में अपना इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट बनाइए, बिकॉज ये दोनों ठीक हैं और इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका सही रहेगा। इसके अलावा दीपाली जी, इनकी करीबन 13,500 की जो SIP है वो 6 फंड्स में इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है एंड 20 इयर्स का एलोकेशन है। तो सारे एक्टिव फंड्स है, मेरे ख्याल से 20 साल का जो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 decades का, उसमें डेफिनेटली पैसिव और एक्टिव का मिक्स होना चाहिए, बिकॉज जो मार्केट सिनेरियो है, जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, जो अल्फा जनरेशन का पोटेंशियल है वो श्रिंक होएगा, स्पेशली जो हम अगर बड़े मार्केट कैप से जाते हुए नीचे लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ उतरेंगे। तो मेरे ख्याल से एक मिक्स ऑफ पैसिव होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट्स में से एक आधा ये अपनी अभी स्टॉप कर सकते हैं और रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे इनको इनने एक रिटायरमेंट सेविंग्स फंड लेके रखा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। एक लार्ज मिड फंड को अपना कंटिन्यू कर ले, एक मिड कैप और स्मॉल कैप को कंटिन्यू कर ले, उसके साथ साथ मल्टी कैप की मेरे ख्याल से इस टाइम पे आवश्यकता नहीं है इनके पास, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप है एक्टिव फंड और मिड कैप भी एक्टिव फंड है। और थीमेटिक फंड को अगर रखना भी है तो आप इतने निवेश पे ही अभी रखिए, इसको बढ़ाइए नहीं। और साथ में एक पैसिव स्ट्रैटेजी जोड़ी जा सकती है। पैसिव स्ट्रैटेजी में आप या तो एक लार्ज मिड कैप फंड का चुनाव कर लीजिए, सो दैट आपको निफ्टी 50 और मिड कैप 150 दोनों का क्यूमुलेटिव एक्सपोजर मिले। तो ये कुछ चेंजेस हैं आपके पोर्टफोलियो में, और आपका जो गोल है उसको पाने के लिए आपको स्टेप अप करने की जरूरत होगी अपनी SIP को 12-13% एनुअली, तो आप अपना लक्ष्य पा पाए के करीब पहुंच जाएंगे। एंड एकदम से एकमुश्त इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना डिफिकल्ट होता है, तो मेरे ख्याल से स्टेप अप ओवर अ 20-year पीरियड आपके लिए ज्यादा बेहतरीन तरीका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रह रही सुबह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है, अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। साहिल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। साहिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे को मैम पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था, मेरा टारगेट है 12 इयर्स 1 करोड़। 12 इयर्स 1 करोड़ का टारगेट, अच्छा 22,000 की आपकी SIP चल रही है। हाँ जी मैम। ओके, एक चीज और बताइए, कितना टाइम हो चुका है आपके इस SIP पोर्टफोलियो को, कितने इकट्ठा कर लिया आपने? मैम अराउंड 270 के आसपास है मेरा पोर्टफोलियो जो वैल्यू है अभी, मतलब 3.5 लाख। हाँ जी मैम। ओके ठीक है, पूछ लेते हैं। तो प्रबलीन, 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू उन्होंने बताई 3.5 लाख और 22,000 की SIP चल रही है। फंड्स कौन से हैं? 3 फंड्स हैं, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, जिसमें 1,000-1,000 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा 4 फंड्स और हैं जहां पर 5,000 ईच है, और ये 4 फंड्स हैं क्वांट स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफी ज्यादा, क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर? जी, अब सबसे पहले गोल की बात करते हैं दीपाली जी। जो 22,000 की इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा ऑलरेडी इनका इन्वेस्टमेंट अबाउट आपने मेंशन किया, अगर हम कॉन्जर्वेटिव रिटर्न्स लेके चलें करीबन 11-12% के, वैसे काफी स्मॉल कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं, पर हम 11-12 ही अगर लेके चलें आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो जो लक्ष्य अपना 1 करोड़ का, वो ये 15 साल तक डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। अगर 12 साल में अचीव करना चाहते हैं तो हल्का फुल्का इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कर दें, या तो बीच में कभी अपॉर्चुनिटी हो तो थोड़ा लमसम कर दें, वरना थोड़ा सा एवरी ईयर एक 500,000 से अपना SIP अमाउंट को इंक्रीज करें, तो वो ज्यादा इजीली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इसके अलावा जो इनका पोर्टफोलियो है, जैसे आपने ये मेंशन किया कि स्मॉल कैप्स बहुत है, तो डेफिनेटली बहुत एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो बनाया है। एंड अभी साहिल जी आई एम श्योर खुश होंगे इस टाइप ऑफ रिटर्न्स को देख के, बिकॉज स्मॉल कैप्स इन 2023 बहुत ही फिनोमिनल प्रदर्शन किया है उन्होंने। बट एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो नहीं है, बहुत ज्यादा एलोकेशन जो है वो एक ही कैटेगरी में जा रहा है, स्मॉल कैप में मल्टीपल फंड्स हैं,
और जो एक पराग पारेख का उनने फंड उठाया है फ्लेक्सी कैप विच इज अ गुड फंड, उसमें निवेश बहुत ही कम है। उसके अलावा एक कमोडिटीज फंड है जो अगेन एक थीमेटिक बेट हो जाती है। तो मेरी राय होगी कि आप एक मिड कैप फंड का प्लीज यहाँ पे एडिशन कर लीजिए, एक आप अपना स्मॉल कैप स्टॉप कर दीजिए जहाँ पे आपका एलोकेशन कम है, आप रिड्यूस करिए थोड़ा सा, दो फंड्स रख लीजिए स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप में अगर आप दो रखेंगे तो आप एक एक्टिव फंड और एक आप पैसिव फंड रख लीजिए। जैसे आप 250 इंडेक्स फंड रख सकते हैं स्मॉल कैप का, या फिर माइक्रो कैप इंडेक्स चुन सकते हैं जो 500 से 750 कंपनीज का एक्सपोजर देगा, और एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड रखिए वो काफी है। एक मिड कैप फंड चुन लीजिए और साथ में पराग पारिक में आप एक अपना इंक्रीमेंटल थोड़ा सा जो निवेश है उसको स्ट्रक्चर बेसिकली रीसेट कर लीजिए। वहां पे भी आप 3-4 हजार जरूर महीने का डालिए अलॉन्ग विद योर मिड कैप, वहां पे भी आप 5-7 हजार जरूर डालिए। तो इस जो आपकी रकम है 22 हजार की, इसको आप थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट कर ले और दो स्मॉल कैप्स डेफिनेटली रिड्यूस करें यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करेंगे अब अगले कॉलर से, अनुपम बैनर्जी हैदराबाद से। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 52 ईयर्स इनकी एज है, प्लस 20,000 की SIP ये करना चाहते हैं 5 ईयर्स के लिए। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना है इनको फॉर 5 ईयर्स 20,000 की SIP के साथ। बताइए क्या सजेशन। दीपाली जी, 5 ईयर्स बड़ा ट्रिकी टाइम पीरियड होता है। हम देखते हैं तो कई बार बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ कॉन्जर्वेटिव होके चलेंगे तो थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड हम रखना चाहेंगे इनका पोर्टफोलियो, और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि थोड़ा मिड और स्मॉल कैप की अपॉर्चुनिटीज हम यूटिलाइज कर पाए अगर पॉसिबल हो। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड विद अ मल्टी कैप फंड की मैं यहाँ सलाह दूंगी, दोनों एक्टिव फंड्स का यहाँ पे मैं उनको सजेशन दे रही हूँ। एंड अगर हम 11-12% के रिटर्न लेके चले तो 5 साल, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए थोड़ा कम समय है, तो भी ये करीबन 16-18 लाख के बीच में कुछ जमा कर पाएंगे। थोड़ा सा निवेश 7-8 साल तक रख पाते हैं तो भी 25-28 लाख के करीब कुछ जमा कर पाएंगे। तो जितना लंबी अवधि के लिए रखेंगे उतना बेनिफिट होगा इनको, बट टू बिगिन विद एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप 10-10,000 का निवेश कर सकते हैं जो इनका टाइम पीरियड है उसको माइंड में रख के। ठीक है, चलिए, तो ये तो राय रही अनुपम के पोर्टफोलियो पर सजेशंस। अब बात कर लेते हैं प्रवीण के टॉप 4 फंड्स की। तो प्रवीण बताइए आपकी टॉप चॉइसेस। दीपाली जी, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो एक्टिव चॉइसेस हैं और दो पैसिव फंड्स हैं। पैसिव फंड में पहला एक डेट फंड में सजेशन दूंगी। अभी बॉन्ड यील्ड्स अच्छे हैं, अगर कल को इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो बेनिफिट होगा इंटरेस्ट रेट्स के कटने का, तो आप एक लंबे समय का पैसिव डेट फंड चुन सकते हैं। पैसिव स्ट्रेटेजी में दूसरा फंड होगा एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड, आप एडलवाइस से ये हमारे पास अवेलेबल है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। ये हमें 86% जो मार्केट कैप है उसका एक्सपोजर दे देता है। और जो दो एक्टिव फंड्स हैं, पहला है कोटक का मल्टी कैप फंड, ये हमें लार्ज मिड स्मॉल कैप का एक्सपोजर देता है एक साथ। और SBI का कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड जो एक थेमेटिक फंड है, अगर आप एक थेमेटिक एक स्पेसिफिक सेक्टर की तरफ चलना चाहते हैं जो कंजम्पशन थीम पे बेस्ड है, तो आप यहाँ पे इस फंड को चेक कर सकते हैं। ओके, तो SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, साथ ही डेट पैसिव फंड, कोटक मल्टी कैप, एडवाइज लार्ज मिड कैप, 250 इंडेक्स फंड, ये है प्रवीण की चॉइसेस। चलिए, तो ये तो बात हुई टॉप ऑफ फंड्स की। शुक्रिया प्रवीण शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस के साथ साथ सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी कवरेज जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।